बारिश की वजह से दो मंजिला मकान ढह गया है। बताया जा रहा है कि इस मकान में एक बुजुर्ग महिला दब गई है। प्रशासन फिलहाल रेस्क्यू अभियान शुरू कर चुका है। चरखा लाइन की घटना बताई जा रही है। तो बारिश की वजह से एक दो मंजिला मकान ढहा है। तस्वीरें भी आप उस क्षेत्र की देख रहे हैं, उस जगह की देख रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मलबे के अंदर एक बुजुर्ग महिला दबी है। फिलहाल प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। यहाँ पर बुलडोजर के माध्यम से मलबे को हटाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द महिला को बाहर निकाला जा सके। चरखा लाइन की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से ये मकान ठह गया है। दो मंजिला इमारत के अंदर एक बुजुर्ग महिला के दबने की जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने लोग इस घर में रहते थे और किसी तरह के नुकसान की भी का आंकलन फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन सीहोर की ये तस्वीर है। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। कवि हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कवि, इस वक्त क्या स्थिति है, कितना वक्त लगेगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, जो मामला है सीहोर के चरखा लाइन स्थित का, जो मामला है यहाँ पे एक दो मंजिला पुरानी इमारत जो थी आज भरभरा कर अचानक तेज बारिश के चलते गिर गई है, जिसमें दो लोग दबे हुए थे। नीचे जो था, नीचे एक पुरुष दबा हुआ था, उसको तो निकाल लिया गया, पर जो 70 साल की जो महिला है, बुजुर्ग महिला है, उसको अभी तक नहीं निकाला गया है। रेस्क्यू आप लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम और पूरा पुलिस प्रशासन मौके पर है। जेसीबी की मदद से लगातार मिट्टी को हटाया जा रहा है, पर अभी तक महिला तक नहीं पहुंचाया गया। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर एक दो मंजिला मकान ढहा है, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन की डिटेल्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।